माइक तो दे दीजिए। मैं आपको सर माइक तो दे दीजिए। मैं आपको बैठिए। जब स्पीकर सीट पे खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ, बैठ जाए करें। ये मैं पहली बार दे रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं। सलाम नमस्कार सत श्री अकाल, मैं रजूर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। 18वीं लोकसभा सत्र के पहले दिन से एक के बाद एक विवादों का दौर जारी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई तरह के नारे को लेकर विवाद तो जारी ही है। अब लोकसभा में सदर जमुरिया यानी राष्ट्रपति और स्पीकर द्वारा पुराने जख्म इमरजेंसी की बात और फिर पेपर लीक पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की माइक को बंद करने और सांसद को डांटने को लेकर हंगामा बढ़पा हुआ है। इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने की स्थिति में है। विपक्ष ने एक सुर में इसका कड़ा विरोध जताया है। विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के भाषण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे नई बोतल में पुरानी शराब बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से इस बात की पुष्टि हुई कि बीजेपी और आरएसएस सिर्फ समाज को बांटना चाहते हैं। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में भीड़ हिंसा, मॉब लिंचिंग, सांप्रदायिक दंगे और गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने जाने की घटनाएं बढ़ी है, लेकिन सत्तारूढ़ दल पूरी तरह इस पूरे मामले पर चुप है। वही मजलिस के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में अल्पसंख्यकों और बेरोजगारी का कोई जिक्र न होने की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण बढ़े हैं और अल्पसंख्यकों के इबादत गाहों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने इस भाषण को नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन के अन्य सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की टिप्पणियों पर कड़ा विरोध जताया है। स्पीकर की टिप्पणी को संसद की प्रतिष्ठा को प्रभावित करने वाला बेहद गंभीर मामला बताया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक वीडियो जिसमें कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठ जाने और उन्हें नहीं सिखाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई लोगों ने टिप्पणी की है कि स्पीकर ओम बिरला द्वारा कांग्रेस सांसद को डांटना एक बदतमीजी है। स्पीकर को विपक्षी सांसद से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यह घटना तब की है जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में शपथ ली और शपथ के अंत में उन्होंने जय संविधान कहा। शशि थरूर के जय संविधान कहने पर प्रतिक्रिया देते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, संविधान के नाम पर ही शपथ ली जा रही है। इस समय तक शशि थरूर अपनी शपथ पूरी कर चुके थे और विपक्ष के नेता राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे। इसी के साथ ही दीपेंद्र हुड्डा और अन्य कांग्रेसी नेता शशि थरूर के समर्थन में आगे आए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने खड़े होकर और स्पीकर से कहा कि सर, आपको जय संविधान कहे जाने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, मुझे यह मत सिखाओ कि क्या आपत्तिजनक है और क्या नहीं, आप बैठ जाए। वही कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने तो इन मामलों पर बाजाब्ता एक वीडियो बनाकर ना सिर्फ जबरदस्त तरीके से बीजेपी पर हमलावर हुई बल्कि इमरजेंसी के सवाल पर भाजपा को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ी कर दी है। सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर वीडियो पोस्ट कर भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी से बड़प्पन की उम्मीद करना बेईमानी है और नरेंद्र मोदी से बड़ा दिल दिखाने की अपेक्षा करना बेवकूफी बराबर है। उन्होंने कहा है कि संसद सत्र शुरू हुआ, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और नेता सदन नरेंद्र मोदी एक साथ स्पीकर महोदय को लेकर ऊपर पहुंचे। एक नई शुरुआत की पहल खुद राहुल गांधी ने पहले हाथ बढ़ाकर किया। नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में उनका पहला वक्तव्य बेहद उम्दा था। हिंदुस्तान के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए विपक्ष की आवाज को जगह देने जाने की पुरजोर पैरवी की। यहाँ से अगर बीजेपी चाहती तो एक अच्छी पहल हो सकती थी, लेकिन छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद करना गलत है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्पीकर ने 49 साल पहले लगी इमरजेंसी का प्रस्ताव रखा, फिर 27 जून को राष्ट्रपति ने सरकार द्वारा लिखित अभिभाषण में भी 25 जून 1975 की इमरजेंसी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पुराने घाव कुरेदने से क्या हासिल होगा,
इमरजेंसी करने ने गलत था, इसमें कोई दुराय नहीं, लेकिन यह भी सच है कि इंदिरा गांधी ने खुद उस गलती को माना था और लोकतांत्रिक चुनाव कराए थे। यही नहीं, इमरजेंसी से कोई वास्ता न होने के बावजूद स्वयं राहुल गांधी ने इमरजेंसी को एक गलत बताया और ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसलिए वह संविधान को हर हाल में सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने भाजपा से सीधे तौर पर सवाल किया है कि एक साथ एक ही सत्र में करीब 146 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से निलंबित करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी सांसदों के माइक को बंद कर देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? राहुल गांधी के 14 मिनट के भाषण में 11 मिनट ओम बिरला की शक्ल दिखाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 51 मिनट के राष्ट्रपति के अभिभाषण में 6 बार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को और 73 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? स्पीकर का जय संविधान बोलने पर आपत्ति करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? जबरन काले कृषि कानून CAA, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पास कराना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? सिर्फ वॉइस वोट से कानून को पारित करना, लोकसभा में 35% विधेयक 1 घंटे से कम समय में पारित करना और मात्र 16% बिल को पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? संसद के प्रांगण में छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा गांधी और बाबा साहब की प्रतिमाओं को बिना विपक्ष से चर्चा किए बयान में डाल देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विधायकों को की नीलामी करके चुनी हुई सरकारें गिराना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी को ED, CBI, इनकम टैक्स से प्रताड़ित करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? चुनाव के दौरान मुख्यमंत्रियों को जेल में डालना, मुख्य विपक्षी पार्टी के बैंक खाते बंद करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? विपक्षी नेताओं की, न्यायाधीशों की, अफसरों की, अपने खुद के मंत्रियों की मातहत से जासूसी करवाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? एक साल से जलते हुए मणिपुर को उसके हाल पे छोड़ देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? चीनी अतिक्रमण से आक्रोशित लद्दाख की अनदेखी करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? किसानों को 1.25 साल तक दिल्ली के सरहद पर छोड़ देना, जिसमें 750 किसानों की शहादत हुई, क्या यह इमरजेंसी नहीं है? किसान नरसंहार के मुख्य अभियुक्त के पिता को गृह राज्य मंत्री बनाए रखना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? रोजगार की मांग करते युवाओं पर पुलिस से बर्बर लाठीचार्ज करवाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? छात्रों को प्रदर्शन करने पर जेल में डाल देना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? पेपर लीक होना, परीक्षाएं स्थगित होना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? 21 साल के क्लाइमेट एक्टिविस्ट को गिरफ्तार करना क्या इमरजेंसी नहीं है? पत्रकारों को असहज दिखाने के लिए राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लगाना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मीडिया को अपने बस में करने के बाद सोशल मीडिया और यूट्यूब पर शिकंजा कसने की कोशिश करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की सबसे बड़ी फैक्ट्री चलाने के बाद अगर किसी और का पोस्ट ठीक ना लगे तो उसे सीधे जेल में डालना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? मनमाने फरमानों से लॉकडाउन नोटबंदी करना क्या यह इमरजेंसी नहीं है? औरतों के खिलाफ जघन से जघन अपराध हो और सरकार हर बार आरोपी को संरक्षण दे क्या यह इमरजेंसी नहीं है? बहरहाल इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी।